हेलो वेलकम टू मायरा क्लासेज आई एम शुभा मिश्रा योर सोशलॉजी एजुकेटर तो जैसा कि आपको पता ही हमारे ट्वेंटी सिक्स थिंकर्स की क्लास चल रही है यूनिट वन की ऑलरेडी हम चार थिंकर्स कवर कर चुके हैं आज हमारे नेक्स्ट थिंकर अल्फ्रेड डेटक्लिप ब्राउन की क्लास है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स इनके बारे में इनका जो लाइफ पीरियड था एटीन एटी वन से नाइनटीन फिफ्टी फाइव था इनका बर्थ जो है इंग्लैंड में हुआ था इन ये सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था अगर क्वेश्चन आता है कि एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया है तो आप ब्राउन को टिक करेंगे नेक्स्ट इनका जो मेथोडोलॉजी था वो एथनोलॉजी या फिर कंपेरिटिव मेथड था मतलब ये दो सोसाइटी को इन्होंने सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंपेयर किया था उनकी डिफरेंट सोसाइटीज़ की स्टडी की थी उसके बाद उनके बीच में कंपैरिजन किया था मतलब जैसे कि एग्जाम फॉर एग्जाम्पल दो ट्राइब्स के बारे में पढ़ा उसके बाद उन दो ट्राइब्स के कल्चर को लाइफ स्टाइल को उनके फेस्टिवल को सबको कंपेयर किया कि एक ट्राइब में ये चीज़ें होती है तो दूसरे ट्राइब में क्या होता है तो ये जो कंपेयर करते हैं अलग अलग सोसाइटी को अलग अलग ट्राइब्स को तो इसको बोलते हैं कंपेरिटिव मैथड या फिर एथनोलॉजी हमने मेलिनॉस्की में पढ़ा था उनका जो मेथड था वो एथनोग्राफी था वो एक ही सोसाइटी को डिटेल में पढ़ते हैं उनकी डीप स्टडी करते हैं लेकिन ब्राउन का जो मेथड है वो एथनोलॉजी है मतलब सोसाइटीज़ के बीच में स्टडी करने के बाद कंपेयर करना उनका जो फील्ड वर्क था फील्ड वर्क था वो अंडमान आइलैंडर्स में उन्होंने मेन वर्क किया था और कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स थे चौकता ओमाहा उनमें भी किया था और कुछ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया Australia में भी उनका फील्ड वर्क था टोटिज़म वगैरह उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को भी फाउंड किया था मेलिनोस्की के साथ ये क्वेश्चन आता है कि किन दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मिलके ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को फाउंड किया है तो वो मेलिनोसकिन ब्राउन है ये डरखाइम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे आगे इनके थ्योरीज में भी देखेंगे कि कैसे जैसे नेशनल साइंस ऑफ सोसाइटी है टोटमिज़म है आ, सोशल मॉर्फोलॉजी ये सब चीज़ें हैं इन्होंने डरखाइम से इन्फ्लुन्सड होकर इंस्पायर्ड होके थ्योरीज दी हैं उसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस की है आपको याद रखना है कि हम पूरे फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म को इंटरचेंजबली यूज़ कर सकते हैं हर थिंकर के लिए लेकिन बस मेलिनोस्की के लिए हम बस फंक्शनलिज्म यूज़ करते हैं और जो ब्राउन है उनके लिए हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज़ करते हैं क्योंकि ब्राउन ने स्ट्रक्चर पे फोकस किया था उन्होंने बोला तो जो इंडिविजुअल है वो रिप्लेसेबल है उनकी डेथ हो जाती है वो आते जाते रहते हैं लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है उसके बाद उन्होंने नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी को नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी बोला है एंथ्रोपोलॉजी को नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी बोला है आपको याद रखना है उसके बाद इनका बहुत ही फेमस फ्रेज है सोसाइटी इज एन इन्फेंट स्टेज मतलब सोशोलॉजी इज एन इन्फेंट स्टेज मतलब सोशोलॉजी इसका मतलब सोशोलॉजी बिल्कुल ही अभी शिशु अवस्था में मतलब सोशोलॉजी की अभी बस स्टार्टिंग हुई है अभी इसको बहुत ज़्यादा आगे इसका बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अब इनकी बेसिक जो थ्योरीज हैं इन्होंने फंक्शनल यूनिटी की बात की है अगर क्वेश्चन आता है फंक्शनल यूनिटी की बात किसने की तो रेड ब्राउन ने फंक्शनल यूनिटी एंड कोअेप्टेसन मतलब साथ में मिलके रहना तो फंक्शनल यूनिटी से इनका मतलब था कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम है जहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं उसके सब लोग सारे पार्ट्स एलिमेंट्स इंस्टीट्यूशन सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं और और जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सोशल सिस्टम हैज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ यूनिटी विच रेड क्लिट ब्राउन टर्म्स एज़ फंक्शनल यूनिटी मतलब हमारी सोसाइटी जो सिस्टम है उसमें एक तरीके की यूनिटी होती है सोसाइटी के सारे लोगों के बीच में इसको उन्होंने फंक्शनल यूनिटी बोला था बाय दिस ही मीन्स अ कंडीशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोशल टीम वर्क टुगेदर इन अ हार्मोनियस कंसिस्टेंट फैशन विदाउट प्रोड्यूसिंग प्रसिस्टेंट कन्फ्लिक्ट मतलब हमारी सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स जो भी लोग हैं सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं बिना किसी कंफ्लिक्ट के मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ में मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और को एडेप्टन मतलब साथ में मिलकर अच्छे से रहना तो ये फंक्शनल यूनिटी का इनका कॉन्सेप्ट था याद रखना है आपको उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस बोली है आपको याद रखना नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस जो मेलिनोस्की थे आपने इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको पता होगा मेलिनोस्की का नीट थ्योरी ऑफ कल्चर था नीट थ्योरी ऑफ कल्चर तो मेलिनोस्की ने बोला था हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी कुछ बेसिक नीड्स है जो कल्चर को फुलफिल करनी होती है लेकिन ब्राउन ने मेलिनोस्की के नीट थ्योरी ऑफ कल्चर को रिप्लेस किससे किया नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सिस्टेंस से रिप्लेस किया मतलब नीट थ्योरी ऑफ कल्चर की जगह वो क्या लाए नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सिस्टेंस ब्राउन के हिसाब से जो हमारी सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती है जैसा कि मेलिन ने नीड थ्योरी ऑफ कल्चर दिया था तो ब्राउन ने बोला कि हमारी जो लोग हैं उनकी जो जरूरतें होती है सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है वो पूरे सिस्टम पूरे सोसाइटी में सबकी सेम रहती है नीड्स सबकी जरूरतें अलग अलग होती है मतलब किसी को बहुत महंगे कपड़े पसंद होते हैं जरूरत होती है किसी को बहुत सारी तरीके नीड्स होती हैं लेकिन कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं जो चाहे कोई कितना भी गरीब हो चाहे कुछ कितना भी अमीर हो उनकी जो नेसेसरी कंडीशन है मतलब जरूरी ज़रूरी जो कंडीशन चीजें होती हैं वो हर हर सोसाइटी में हर इंसान के लिए सेम होती है नीड्स सोसाइटी वाइज स्टेटस वाइज चेंज हो सकती हैं लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपकी हर सोसाइटी में हर लेवल की जो लोग हैं उनकी सेम होगी जैसे कि खाना फूड हाउस, शेल्टर मतलब तो ये जो है ये आ, हर सोसाइटी में सेम होंगी तो उन्होंने नीड थ्योरी ऑफ कल्चर को रिप्लेस करके क्या लाए वो नेसेसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं रेडक्राउन सब्सटीट्यूटिया ऑफ नीट थ्योरी ऑफ मेलिनोसकी विथ नेसेसरी एज्यूम्स डेट ह्यूमन सोसाइटी सर्टन बेसिक कंडीशन सो देट दे में जो हमारी जो सोसाइटी है उसको जो लोग हैं उनकी कुछ बेसिक जो नीड्स होती है नेसेसरी कंडीशन होती है उनको फुलफिल करना होगा ताकि जो हमारे ह्यूम्स है वो सर्वाइव कर पाए और हमारी सोसाइटी चल पाए जैसे कि ब्रीदिंग मतलब सांस लेना अब सांस लेना चाहे कोई भी हो अमीर हो गरीब हो ठीक है कितना भी स्टेटस हाई हो चाहे एक कंट्री का दूसरी कंट्री का हो उनको सांस लेना सबकी बेसिक नेसेसरी कंडीशन है ये हर की सेम होगी खाना सबको खाना पड़ता है ठीक है रिप्रोड्यूस करना तो उन्होंने क्या बोला नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस फिर उन्होंने बोला दो टर्म्स दी सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोशल फिजियोलॉजी ये हमने जब डरखाइम पढ़ा था हमने इमायल डर उसमें हमने तीन देखे थे सोशल मॉर्फोलॉजी सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशोलॉजी ये तीन टर्म्स क्या है उन्होंने डरखाइम ने बताया था कि हम ये तीन तर, ती, तीन तरीके से हम सोसाइटी की स्टडी कर सकते हैं वैसे ही रेड ब्राउन ने दो टर्म्स दिए हैं सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोशल फिजियोलॉजी ठीक है ये जो टर्म्स है हिंदी एंड इंग्लिश में सबके लिए सेम रहेगी तो मैं जो आपको समझा रही हूँ वो हिंदी में समझा रही हूँ अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं लेकिन ये ये जो टर्म्स हैं ये अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है क्योंकि कई बार ये लोग टर्म्स को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं टर्म्स ये लोग इंग्लिश में ही देते हैं एग्जाम में तो आपको टर्म्स जो है इंग्लिश में ही याद रखनी है समझाने वाला जो है मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ तो सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोशल फिजियोलॉजी तो रेडकिल ब्राउन ने बोला कि जो हमारी सोसाइटी जो हमारा सिस्टम है स्ट्रक्चर सिस्टम है उसको हम दो एंगल से देख सकते हैं एक है स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी और एक है सोशल फिजियोलॉजी मतलब दो तरीकों से पढ़ सकते हैं जो हमारा मॉर्फोलॉजी है जो हमारा देखने वाली चीज़ें जो हमारी सोसाइटी uh, है ठीक है सोसाइटी में पॉपुलेशन है स्ट्रक्चर है उस uh, जो सोसाइटी की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर उसका अरेंजमेंट ठीक है उस, उनके बीच में कंपेरिजन क्लासिफिकेशन ये सब हम सोशल मॉर्फोलॉजी में करते हैं लेकिन सोशल फिजियोलॉजी में हम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं लॉ रिलीजन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में इनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी होता है ठीक है जब हम पॉपुलेशन या फिर स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है जब इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है सोशल फिजियोलॉजी नेक्स्ट उन्होंने दो स्ट्रक्चर सोशल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म इसके बीच में कंपेयर किया था उन्होंने बोला था जो जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है ये कांस्टेंट है मतलब नॉन चेंजिंग लेकिन जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो हमेशा फ्लक्स में रहता है चेंज होता रहता है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फॉर्म का एग्जांपल हमारी हमारी जो बॉडी हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो हमारा ढांचा है जो स्केलेटन है वो हमेशा सेम रहता है कोई भी आप इंसान देखेंगे उसके अंदर का जो ढांचा है मतलब उतनी हड्डियाँ होंगी ऊपर से सर की ये अंदर का पूरा सिस्टम जो हमारा ढांचा है स्केलेटन है वो सेम रहेगा लेकिन आप हर इंसान को देखेंगे जो उनकी ऊपर की बॉडी जो है स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है तो जो चेंज नहीं होता है वो क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्म और जो चेंज होता है वो क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर तो इसी को उन्होंने सोसाइटी में देखा था स्ट्रक्चर फॉर्म हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो चेंज नहीं होते हैं उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जो अरेंजमेंट है वो सब चीजें चेंज हो सकती हैं जैसे कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है जो हर की है पीएम होते हैं फिर उसके बाद स्टेट्स में होते हैं ये पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म जो है सेम रहेगा हर सोसाइटी में लेकिन इसके अंदर के जो लोग हैं वो अलग होते जाएंगे कुछ डेजिग्नेशन हम अलग दे सकते हैं लेकिन ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है तो सोशल स्ट्रक्चर से क्या मतलब था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर रेफर्स टू अरेजमेंट्स ऑफ पार्ट और कॉम्पोन रिलेटेड टू वन एंड इन सम शॉर्ट ऑफ लार्जर यूनिटी इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारी जो सोसाइटी उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है जो पार्ट्स हैं उनके अरेंजमेंट को जो साथ में मिलके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर ठीक है तो और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एम्पीरिकली विजिबल है ये आपको अच्छे से याद रखना है एंपीरिकली विजिबल है रियलिटी ठीक है तो ब्राउन के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो विजिबल है हम उसको देख सकते हैं हम समझ सकते हैं ठीक है है कॉन्शियस है, है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ब्राउन के हिसाब से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो एम्पेरिकली विजिबल है हम उसको देख सकते हैं नोटिस कर सकते हैं कॉन्क्रीट है रियलिटी है ठीक है कॉन्शियस है ठीक है लेकिन इस इससे आप एक चीज याद रखिए आगे हम स्ट्रक्चरिस्ट हैं क्लाउड उनको पढ़ेंगे उनके हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एब्स्ट्रैक्ट है हम उनको देख नहीं सकते हैं नोटिस नहीं कर मतलब समझते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं तो ये आपको कंपेरिजन याद रखना ब्राउन और लेवस्ट्रॉस की स्ट्रक्चर के बीच में तो ये जो मैंने बताया आपको सोशल स्ट्रक्चर सोशल फॉर्म ये इसको पढ़ने से पहले आप ये सोशल स्ट्रक्चर पढ़ें ये वाला जो सोशल स्ट्रक्चर और ये वाला सोशल स्ट्रक्चर है इसके बीच का ये थोड़ा सा अलग वे में उन्होंने डिफ्रेंशियट किया है तो आप इसको आप सोशल स्ट्रक्चर ना बोल के खाली स्ट्रक्चर बोले और ये है सोशल स्ट्रक्चर ठीक है स्ट्रक्चर मतलब हमारी जो पूरे सोसाइटी के पार्ट है सब आके साथ में काम करते यूनिटी रहती है होती है उसको सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं ठीक है मतलब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है हमारी सोसाइटी uh, में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है लेकिन पर्सन इन आर कंट्री आर अरेंज इन टू डिफरेंट कास्ट मतलब हमारे जो जितने भी लोग हैं इंडियन सोसाइटी जैसे उसमें कास्ट सिस्टम है तो हमारे कुछ लोग एक कास्ट में आते हैं कुछ लोग एक कास्ट में आते हैं लेकिन जो कास्ट है वो हमारा स्ट्रक्चरल फीचर है साथ में मिलके काम करते हैं मतलब हमारे जो एक कास्ट के लोग हैं साथ में मिलके काम करते हैं और उनका कास्ट सिस्टम आगे चलता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया उन्होंने स्ट्रक्चरल सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्म के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था जो सोशल स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लक्स में रहता है चेंजिंग रहता है लोग मतलब आते जाते मरते हैं फिर जिंदा मतलब मरते हैं फिर वो उन उ, उनके बाद बर्थ होता है लोगों का लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म है वो स्टेबल है वो चेंज नहीं होता वो वैसे का वैसे ही रहता है ठीक है उसके बाद उन्होंने बताया दिस सोशल यूजेस परस इवन दर्सन कमेट गो दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर फॉर्म डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इंटीग्रेटेड पार्ट आर उन्होंने बोला हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी उसकी स्थिरता इस चीज पे डिपेंड करती है, कि उसके जो है वो कितने ज्यादा इंटीग्रेटेड है और कितना साथ में काम कर रहे हैं ठीक है जितना ज्यादा जो डिफरेंट पार्ट है डिफरेंट एलिमेंट है वो साथ मिलकर काम करेंगे उतनी ज्यादा हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी स्थिरता रहेगी और अच्छे से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी नेक्स्ट उन्होंने दो टर्म्स दी थी यूनोमिया डिसनोमिया या फिर यूफोरिया एंड डिसफोरिया तो ये जो टर्म्स है उन्होंने हेल, हेल्थ और डिजीज के कॉन्सेप्ट में यूज की थी उन्होंने बताया था कि जब हमारी जो सोसाइटी है जब सोसाइटी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है सारे फंक्शन हैं सारे इंस्टीट्यूशन हैं अच्छे से चल रहे होते हैं कंफ्लिक्ट वगैरह नहीं होता है कुछ स्टेबिलिटी रहती है स्थिरता रहती है सोसाइटी में तो वो क्या होता है यूनोमिया या फिर यूफोरिया लेकिन हम जब हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहती बहुत ज्यादा गड़बड़े होती हैं फंक्शन फंक्शनल यूनिटी नहीं रहती है ठीक है कंसिस्टेंसी रहती है तो वो क्या होता है डिसनोमिया या फिर डिस्फोरिया फॉर एग्जाम्पल जब हमारी सोसाइटी अभी जैसे वर्क कर रही है वो सही चल रही है लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी कोविड कोविड के टाइम पे हमारी सोसाइटी जब कोविड के टाइम पे थी उसको हम डिसनोमिया बोलेंगे मतलब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे हमारी सोसा हमारा जो इकोनॉमी है वो भी सही से काम नहीं कर रही थी सोसाइटी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी कितनी ज़्यादा डेथ हो रही थी मतलब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही थी फंक्शन फंक्शनल नहीं था सब कुछ तो उस उस स्टेज में उस फेज में हमारी सोसाइटी क्या थी डिसनोमिया तो जब सब कुछ अच्छा चलता है सोसाइटी में हेल्दी होती है सोसाइटी यूनोमिया जब कुछ गड़बड़े होती है तो क्या होता है डिसनोमिया ठीक है तो यूफोरिया यूनोमिया इज सोसाइटी रेफर्स टू हारमोनियस वर्किंग टुगेदर मतलब सब लोग साथ में ले रह के शांति से काम करते हैं उनकी पार्ट्स के बीच में और डिसनोमिया जब हमारी सोसाइटी में फंक्शनल डिसयूनिटी या फिर इनकिसी आती है नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने किनशिप में भी काम किया था फैमिली रिलेशनशिप में काम किया था उन्होंने दो टाइप के रिलेशनशिप के बारे में बात की थी एक है जोकिंग रिलेशनशिप एक है अवॉइडेंस सबसे पहले हम जोकिंग की बात करते हैं जोकिंग मतलब नाम से ही समझ आ रहा है जोक मजाक मतलब ये जो रिलेशनशिप होता है ये ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में मजाक हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन सोसाइटी में जो हमारे जीजा साली होते हैं जीजा साली ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ इनके बीच का जो रिलेशन है ये मजाक वाला है ये लोग आपस में मजाक कर सकते हैं ठीक है या फिर देवर भाभी वाला है ये जो रिलेशनशिप है ये हमारा जोकिंग रिलेशनशिप इनके बीच में मजाक हो सकता है इनके बीच में, इनके बीच में कोई फॉर्मल रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है ठीक है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जोकिंग रिलेशनशिप और दूसरा होता है असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जब होता है जब दोनों तरफ से मजाक हो सकता है और असिमेट्रिकल होता है जब एक तरफ से मजाक होता है मतलब सिमेट्रिकल मतलब जब ज्यादा दो जैसे जीजा और सालिया उनके बीच में या फिर देवर भाभी उनके बीच में ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं है दोनों एक एज के हैं ठीक है तो वो लोग मजाक कर सकते हैं लेकिन असिमेट्रिकल कब हो सकता है जब जैसे कि भाभी बहुत बड़ी है और देवर बहुत छोटे हैं तो भाभी तो मजाक कर सकती है लेकिन देवर मजाक नहीं कर सकते तो वो जोकिंग रिलेशनशिप क्या होगा रिलेशनशिप क्या होगा असिमेट्रिकल ठीक है नेक्स्ट है अवॉइडेंस सोसाइटी में कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो डायरेक्ट लोग बात करना अवॉइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे बहू और ससुर मतलब फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ मतलब आपने देखा होगा अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि जो आपकी मम्मी है वो अपने फादर इन लॉ से मतलब आपके दादाजी से ससुर से डायरेक्टली बात नहीं करती एक तरीके का एक फॉर्मल बिहेवियर रहता है आप पर्दा भी होता है तो ये होता है अवॉइडेंस का रिलेशनशिप मतलब डायरेक्ट जहाँ पे हमको हम बात नहीं कर सकते एक लाइन होती है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते वो होता है अवॉइडेंस तो रेडक्लिफ ब्राउन टू स्टडी तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटी एंड रूल्स गवर्निंग एंड द बिहेवियर बाय एम्प्लॉइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने जोकर अवॉइडेंस रिलेशनशिप की बात की जोकिंग मतलब जो बहुत फ्रेंडली होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है जहाँ पे मजाक मस्ती चलती है दो पार्ट में डिवाइड किया सीमेट्रिकल असीमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब जहाँ दोनों तरफ मजाक हो सकता है असिमेट्रिकल जहाँ बस एक तरफ मजाक हो सकता है अवॉइडेंट रिलेशनशिप उन्होंने बताया जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और एक लिमिटेशन होती है हम ज़्यादा मजाक मस्ती एक बहुत हद तक काम की बस बातें करते हैं तो वो होता है अवॉइडेंस उसके बाद उन्होंने दो और टर्म्स दी थी एवेंक्यूलेट और एमिटेट तो जो एवेंक्यूलेट होता है वेट अ सेकंड दी मदर्स ब्रदर रेडक्लिफ ब्राउन अप्लाइड हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रिंसिपल मेनली टू एनालिसिस ऑफ किनशिप सिस्टम इन हिज वर्क उन्होंने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो उनका प्रिंसिपल है उन्होंने हमारी सोसाइटी की किनशिप सिस्टम किनशिप मतलब नातेदारी जो हमारी संबंध होते हैं उनको पढ़ने के लिए लगाया प्रिमिटिव सोसाइटीज में उन्होंने स्टडी किया हिस्स डिस्कशन ऑफ रोल ऑफ मदर्स ब्रदर इन टनशिप सिस्टम ऑफ सम साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स वेरी डिस्टिंक्ट आपको ये याद रखना है कि उन्होंने हमारी मम्मी के भाई का जो हमारा रिलेशन होता है उसको साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स में स्टडी किया है ये आपको याद रखना है मदर्स ब्रदर को कहा उन्होंने स्टडी किया साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स में स्टडी किया है ठीक है

हमारे जो मामा होते हैं और हमारे बीच में जो रिलेशन होता है वो एवेनक्यूलेट होता है और जो हमारी बुआ होती है और हमारे बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है एमिटेट होता है ठीक है आपको याद रखना है बुआ और भतीजे के बीच का रिलेशन क्या होता है एमिटेट और मामा और भांजी के बीच का रिलेशन क्या होता है एवंक्यूलेट ये दोनों आपको याद रखना है और उन्होंने बोला जो हमारी जो बुआ का जो रिलेशन है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हमारे मामा वाले रिलेशनशिप ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट था उसके बाद उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे सेरेमोनियल वीपिंग या फॉर्मल वीपिंग सेरेमोनियल वीपिंग या फॉर्मल वीपिंग वीपिंग मतलब क्या होता है रोना ठीक है? है रोना होता है रोना होता है शायद मैंने गलत ना लिखा उसके बाद सेरेमोनियल uh, वीपिंग क्या होता है उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे आ, एंड़में, एंड़में, मतलब अंडमान की जो टाइप्स उन्होंने वहां पे इसको देखा था उन्होंने बोला था कि सेरेमोनियल वीपिंग में ऐसा ओकेजन होता है ऐसा ऐसा टाइम होता है जब कुछ लोग साथ मिलकर आते हैं और मतलब कब रोते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी की मैरिज सेरेमनी होती है ठीक है तो ऐसी जब हमारी जो सोसाइटी में कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे बहुत दिनों बाद हम, हमारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स मिलते हैं जैसे बहुत दिनों बाद शादी के में बहुत हमारे दूर आ, आ के रिश्तेदार आके मिलते हैं या फिर किसी की जब डेथ हो जाती है फैमिली में या फिर जब हमारी किसी की शादी हो रही होती है तब जो साथ में मिलके जो रोते हैं लोग आपने देखा होगा फैमिली में उसको क्या बोलते हैं सेरिमोनियल वीपिंग एक उन्होंने बोला था फॉर्मल वीपिंग फॉर्मल वीपिंग क्या होती है जब हमारे आ, कि जब ऐसा होता है जब दो दोस्त हैं जब उनके बीच में कुछ आ, दिक्कत आ गई थी और बहुत दिनों बाद वो वापस आके मिले हैं ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं फॉर्मल वीपिंग मतलब एक लॉन्ग सेपरेशन के बाद डिस्टर्बेंस के बाद जब आके लोग मिलते हैं अच्छे से कुछ दिक्कतें आने के बाद जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल वीपिंग या फिर और फॉर्मल वीपिंग बोलते हैं और सेरेमोनियल वीपिंग क्या होती है जब किसी सेरेमनी जब किसी की डेथ हो जाती है मैरिज होती है तब जब लोग साथ में आके रोते हैं उसको बोलते हैं सेरेमोनियल वीपिंग उसके बाद उन्होंने तीन टाइप की यूनिटी की बात की थी यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप यूनिटी ऑफ लीनियज ग्रुप एंड जनरेशन बहन के बीच में जो यूनिटी होती है जो एक साथ वो लोग रहते हैं उसको यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप बोलते हैं तो जो बाहरी लोग हैं वो भाई बहन को बिल्कुल एक समझते हैं ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप यूनिटी ऑफ लीनियज ग्रुप मतलब लीनियज मतलब एक मम्मी साइड साइड या पापा की जो एक लोग एक साथ रहते हैं उनके बीच में जब यूनिटी रहती है लगाव रहता है तो उसको बोलते यूनिटी ऑफ ग्रुप नेक्स्ट है जनरेशन जनरेशन मतलब जब एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन के बीच में जब यूनिटी रहती है मतलब हमारे और हमारे दादाजी के बीच में जो यूनिटी रहती है उसको जनरेशन प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है उसके बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में तो दादाजी और पोता या पोती के बीच में जो होता है वो जनरेशन जो एक ही लीनियज या मम्मी या पापा की साइड की जो पीढ़ी है उसके बीच में जो यूनिटी रहती है उसको लीनियज ग्रुप बोलते हैं और जो भाई बहन के बीच में यूनिटी होती है उसको सिबलिंग ग्रुप की यूनिटी बोलते हैं तो आपको ये याद रखना है तीन टाइप की यूनिटी किसने दी थी ब्राउन ने दी थी नेक्स्ट उन्होंने टोटिज्म पे वर्क वर्क किया है तो अब अभी तक हमने देखा था कि डर्खाइम ने भी वर्क किया टोटेमिज्म पे नेक्स्ट किसके जिन्होंने वर्क किया है ब्राउन ने तो जब डर्खाइम ने वर्क किया था टोटेमिज्म पे तो उन्होंने बोला था उन्होंने स्टडी की थी टोटेमिज्म की लेकिन उन्होंने ये नहीं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढा था कि क्यों टोटेमिज्म टोटम हम लोग डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं डिफरेंट एनिमल्स या फिर एनिमल्स या फिर फ्लावर्स या फिर किसी को भी एक टोटम के रूप में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के यूज वे में क्यों यूज करते हैं तो जो रेड ब्राउन है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फील्ड स्टडी की है और वहाँ पे उन्होंने जाके न्यू साउथ वेल्स में न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्टडी की थी और वहाँ पे जाके उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश की थी कि क्यों जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं उनको ट्राइब्स जो हैं टोटम्स के रूप में उनके चिन्ह के रूप में यूज साइन के रूप में यूज़ करते हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने वहाँ की न्यू साउथ वेल्स से ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ में देखा था कि दो मोइटीज होती हैं मोइटी मतलब एक क्लैन के लोग ये एक क्लैन के लोग मतलब दो टाइप दो मोइटीज होती हैं और ये जो मोइटी होती है एग्जोगेमस होती है। मतलब इनके बीच में मतलब इस मोइटी में जो क्लैन है इसमें आपस में इनके बीच में शादी नहीं हो सकती मतलब एक क्लैन के लोग एक वंश के लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकती उन्होंने एक क्लैन को ईगल हॉक एक मोइटी को क्या नाम दिया था ईगल हॉक और इस वाली मोइटी को क्या नाम दिया था क्रो ठीक है ईगल हॉक और क्रो तो उन्होंने बोला था कि वहाँ की सोसाइटी में उन्होंने देखा था कि दो मोइटी थी मतलब दो क्लैन ग्रुप थे एक का नाम उन्होंने ईगल ईगल हॉक दिया था एक का नाम क्रो दिया था और इन जो मोइटी है इन मोइटी में आपस में शादी हो सकती है लेकिन इन मोइटी के अंदर शादी नहीं हो सकती तो इस तरीके से उन्होंने टोटिमिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था ठीक है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इसके अलावा भी जो हम कॉन्सेप्ट ये मेन कॉन्सेप्ट और भी जो हम क्लासेस में पढ़ेंगे हमारे बैच में भी कुछ हम और डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनके बारे में ये जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरे पढ़ाए आपको जो भी डाउट्स आप टेक्स्ट क्लास में बताइएगा हम सॉल्व करेंगे ये उनके कुछ बुक्स हैं जो आप अगर याद कर सकते हैं ईयर वाइज तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चनस आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच